दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विट्ठल भाई पटेल के जीवन के बारे में, जो एक महान क्रांतिकारी थे। उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर क्रांतिकारी होने तक की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा, विट्ठल भाई पटेल स्वाधीनता आंदोलन के एक प्रमुख नेता, विधान वेत्ता और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। वे केंद्रीय असेंबली के सदस्य और बाद में अध्यक्ष भी बने। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना भी की। इंग्लैंड से बैरिस्टर बनने के बाद उन्होंने वकालत के पेशे में अपनी अच्छी पहचान बना ली थी, परंतु शीघ्र ही राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। वहीं विट्ठल भाई पटेल एक बेहतरीन वक्ता भी थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्हें एक उग्र नेता के रूप में जाना जाता था। उनके और गांधी जी के विचार एकदम भिन्न थे, इसी कारण कई मुद्दों पर उनके मध्य मतभेद भी रहे थे। तो चलिए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। विट्ठल भाई पटेल का पूरा नाम जाबिर भाई पटेल था, जिनका जन्म 27 सितंबर 1871 को गुजरात के करमसद गांव में हुआ था। 5 भाइयों में वे तीसरे नंबर के थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल से 4 साल बड़े थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा करमसद और नड़ियाद में हुई। इन्होंने मुंबई में भी शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद वे गोधरा और बोरसद के न्यायालय में एक कनिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर कार्य करने लगे। इनका सपना था इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनना। बहुत छोटी उम्र में ही उनका विवाह करा दिया गया था। उनके छोटे भाई वल्लभ भाई पटेल भी कड़ी मेहनत और स्वाध्ययन से कानून की पढ़ाई करके कनिष्ठ अधिवक्ता का कार्य कर रहे थे, और वो भी इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनना चाहते थे, पर बड़े भाई का सम्मान करते हुए उन्होंने इस बाबत जुटाए रुपए उनको दे दिए और इंग्लैंड में विट्ठल के रहने का खर्च भी उठाया। इस प्रकार विट्ठल भाई पटेल इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बन गए। आइए बात करते हैं इनके कैरियर को लेकर। तो इंग्लैंड पहुंचकर विट्ठल भाई ने कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और 36 महीने का पाठ्यक्रम 30 महीने में ही पूरा कर लिया और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहे। सन 1913 में वे गुजरात वापस लौट आए और बॉम्बे और अहमदाबाद के न्यायालयों में वकालत करने लगे। शीघ्र ही विट्ठल भाई एक सम्मानीय और महत्वपूर्ण बैरिस्टर बन गए और पर्याप्त धन भी अर्जित किया। उन्होंने बहुत छोटे समय में काफी ख्याति अर्जित कर ली थी, पर इस बीच उनके निजी जीवन में एक दुखद घटना घटी। उनकी पत्नी सन 1915 में परलोक सिधार गईं, जिससे विट्ठल भाई को गहरा झटका लगा था। वहीं बताना चाहूंगा इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। पत्नी के निधन के बाद विट्ठल भाई की रुचि सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में बढ़ी। हालांकि वे महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन, सिद्धांतों और नेतृत्व से पूरी तरह काफी भी सहमत नहीं थे, फिर भी देश की आजादी में अपना योगदान देने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। हालांकि इस जनसाधारण में उनकी बड़ी पैठ नहीं थी, पर अपने जोशीले और तार्किक भाषणों और लेखों के माध्यम से उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पर जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने परामर्श किए बगैर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार के कामकाज को बाधित करना। स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के भीतर दरार पैदा कर दिया था, पर अपने लक्ष्यों में बहुत सफल नहीं हो सकी। विट्ठल भाई बॉम्बे विधान परिषद के लिए चुने गए, जहां उन्हें देश की आजादी से संबंधित कोई कार्य करने का अवसर नहीं मिला, परंतु उन्होंने अपने भाषणों और वाक्पटुता के माध्यम से अंग्रेजी अधिकारियों और सरकार की नीतियों पर खुला प्रहार किया। सन 1923 में वे केंद्रीय विधान परिषद के लिए चुने गए और 1925 में इसके अध्यक्ष बन गए। उनकी निष्पक्ष और निर्भीक विचारधारा ने लोगों पर उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ी। विट्ठल भाई संसदीय विधि विधानों के प्रकांड विद्वान थे, जिसके कारण सदन में सभी दल उन्हें आदर और सम्मान देते थे, और उनकी दी हुई विद्वतापूर्ण व्यवस्था सभी लोगों को मान्य हुआ करती थी। केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में
उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि विदेशी में भी ख्याति अर्जित की। विधि से संबंधित अपने सूक्ष्म ज्ञान से उन्होंने तत्कालीन सरकार को भी कई बार परेशानियों में डाल दिया था। विट्ठल भाई ने केंद्रीय विधानसभा की अध्यक्षता के दौरान जैसे उच्च आदर्श उपस्थित किए, उसके आधार पर यह बात निसंकोच कही जा सकती है वे इस मामले में अपने पूर्ववर्तियों से अग्रणी थे। मेरठ षड्यंत्र केस के दौरान उन्होंने सरकार को यह राय दी कि या तो सुरक्षा बिल स्थगित रखा जाए और नहीं तो सरकार मेरठ षड्यंत्र केस को उठा ले, पर जब सरकार ने यह बात नहीं मानी तो सुरक्षा बिल पेश होने पर उन्होंने अपने विशेषाधिकारियों का प्रयोग करते हुए आयोग करार दिया। सन 1930 में जब कांग्रेस पार्टी ने विधानसभाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया तो विट्ठल भाई ने केंद्रीय विधानसभा की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की इस लड़ाई में मेरा उचित स्थान विधानसभा की कुर्सी पर नहीं बल्कि रण क्षेत्र में है। जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया तब विट्ठल भाई कांग्रेस में पुनः शामिल हो गए, पर अंग्रेजी सरकार ने सन 1930 में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के साथ इन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ा गया जिसके कारण अवधि पूरी होने के पूर्व ही उन्हें 1931 में रिहा कर दिया गया। इसके बाद वे स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप चले गए। वहीं बताना चाहूंगा इनकी मृत्यु के बारे में, जेल से रिहा होने के बाद विट्ठल भाई इलाज के लिए ऑस्ट्रिया के शहर वियना चले गए। वहां उनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई जो खुद भी स्वास्थ्य लाभ के लिए वहां गए हुए थे। नेताजी का स्वास्थ्य तो सुधर रहा था पर विट्ठल भाई का स्वास्थ्य गिरता गया और 22 अक्टूबर सन 1933 को जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार 10 नवंबर 1933 को बॉम्बे में किया गया। तो दोस्तों आपको कैसे लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी विट्ठल भाई पटेल के बारे में? अगर आपको इसमें कोई भी कमी या चेंजिंग नजर आए तो हमें अपनी राय जरूर साझा करें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए।